प्रिय छात्रों नमस्कार, आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों कक्षा 10वीं का जो हिंदी का पेपर कल होने वाला है, बहुत तेजी से यह पेपर वायरल हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों पूरा का पूरा रियल पेपर है, कोई भी फेक पेपर नहीं है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसके PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस काव्य के छंद एक काव्य के धागों की माला की तरह गुथे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, छायावाद की आचार स्तंभ कवि नहीं है। क्वालिटी फुल बढ़ा के देखेंगे दोस्तों, यह पेपर थोड़ी बहुत धुंधला है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम को व्यंग में उत्तर दिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्साह कविता के बादल का प्रतीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। और इसी तरह हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरि की डॉट डॉट की तरह है। दूसरा क्वेश्चन है, परशुराम के गुरु डॉट डॉट थे भगवान शिव भगवान विष्णु। और क्वेश्चन नंबर 3 है, नायक नायिका के संयोग वियोग का वर्णन किस रस में होता है, श्रृंगार रस या हास्य रस में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गोविंद मम्मत पाठ किस विधा की है, रेखाचित्र संस्मरण। और अगला क्वेश्चन है, विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य कहलाता है मुहावरा या लोकोक्ति। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है, सही जोड़ी के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा सही जोड़ी का प्रश्न। पहला है कौशिक, दूसरा है काव्य की आत्मा, तीसरा है बाल गोविंद भगत, चौथा है पंचवटी, पांचवा है क्रियाकर्ता के अनुसार, छठवा है धर्म चक्र के घुमाने पर। इधर है द्विगु समास, कर्तव्यवाच, रस, विश्वामित्र, कबीर पंपई, पाप को भूलते रहे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सही जोड़ी पूरा का पूरा रियल पेपर है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इसी तरह दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, शिव का धनुष किसने तोड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, गातोंग का अर्थ क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है, राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है। चौथा क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी रचनाकार कौन थे। पांचवा क्वेश्चन है, मानव संस्कृत किस प्रकार की है। छठवा क्वेश्चन है, चारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अभी तक हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन ना हुए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर वहां ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्धव को व्यवहार की तुलना किस किन से की गई है, इसके अथवा का प्रश्न है। कविता शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, और इसके अथवा का प्रश्न है। कवि ने आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, दो प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है, रीतकालीन काव्य के किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सूरदास तथा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। दो रचनाएं और भाव पक्ष पर आपको इनकी वर्णन करना है। ये पूरा का पूरा रियल पेपर है, आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो रस किसे कहते हैं, रस के अंगों का नाम लिखना है। और इसके अथवा का प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, खंड काव्य एवं महाकाव्य में दो अंतर लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, अतिशयोक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों को किस रूप में प्रभाव पड़ा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा प्रश्न, यानी बिस्मतला का को सहनाई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे। दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन ना हुए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन जरूर कर लें, आपको वहां PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा का प्रश्न क्या है, भगत के व्यक्तिगत एवं उसकी वेशभूषा अपने शब्दों पर चित्रित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनु भंडारी अथवा श्याम प्रकाश के साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए, भाषा शैली और दो रचनाएं।
क्वेश्चन नंबर 15, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, कहानी किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न, अभिकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा, नेताजी अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित एक विषय का अनुच्छेद लिखिए, राष्ट्रीय एकता, आधुनिक भारत। इसके अथवा का प्रश्न है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर संवाद कीजिए, दीपावली, मेरा प्रिय खेल, दो मित्रों का संवाद, बेटे व माँ का संवाद लिखना है। इसका PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। या टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 Academy, आप जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग लिखिए। तो किसका संदर्भ प्रसंग लिखना है, तो उज्जल गया कैसु गौ, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, मिला कहां वह सुख जिसके मैं सपन देखकर जाग गया, अलागिन से आते आते मुस्कुराकर सो गया। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा की। तो क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ प्रसंग लिखना है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, पेपर धुंधला है, फुल क्वालिटी में देखेंगे आपको पूरा का पूरा क्लियर दिखाई देगा। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, हाँ गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक में भी जाते, उसे सोने के बदले उत्सव मानने को कहते, आत्मा परमात्मा के पास चलो, गई ब्राह्मी अपने प्रेमी से जा मिली, भला उसे कहकर आनंद को कौन बता, मैं कभी कभी सोचता था यह तो पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं हुआ, कुछ भी कहे उसमें उसका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता था। इसके अथवा का प्रश्न है, नवाबी आदतो अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के लिए हसीये पर सरकते जाने की अदसा, क्रोध मनाकर हमेशा माँ को कंपाती घबराती रहती थी। यह क्वेश्चन नंबर रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, यह पठित गद्यांश को पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कुसंग का ज्वर सबसे नायक होता है, यह केवल निजी और सद्वृत्ति ही नशा करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह किसी प्रकार की युवा की संगति बुरी अच्छी होती, उसके पैर में बैंधी चक्की के समान होगी, उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे उतारती जाएगी, उसके अच्छे सहारा दोनों वाली बहुओं के समान उसके निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है दोस्तों, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है, उपयुक्त गद्यांश के 25 शब्दों में सारांश लिखना है, और कुसंग के नुकसान क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा 10वीं आ के छात्र अपने कक्षा में छात्रों को मान से मेज की कुर्सी कमी प्रचार की इस समस्या में अवगत कराते हुए आवेदन पत्र लिखना है। और इसके अथवा का प्रश्न है, विद्यालय में प्रचार को शाला शुक्ल हेतु मुक्ति आवेदन पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित उपयुक्त शीर्षक को संवर्धित निबंध लिखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विज्ञान के चमत्कार, या जनसंख्या वृद्धि, या प्रदूषण नियंत्रण। पूरा का पूरा रियल पेपर है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते किसी नेटवर्क से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।